गुड इवनिंग एवरीवन, मैं तारेंद्र बेले एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है, आप सेहतमंद होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पर हम लोगों की मुलाकात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10वीं के बारे में, जो 10वीं यूनिट है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारी मुलाकात होती है। और हम रोज के रोज इसी टाइम पर आप लोगों से मुलाकात करते हैं, ठीक है। लास्ट के लेक्चर में देखिए थोड़ा क्या आज हम लोगों को स्पीड में निपटाना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक पर 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग देख रहे थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, जो कि 2 लेक्चर हम लोग इसके ऊपर ले चुके हैं। और बहुत ही अच्छे से, मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को समझ आया होगा। और नहीं अगर आप लोगों को समझ आया हो तो एक बार आप बहुत अच्छे से फिर से वीडियो देखिएगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक स्टडी करी थी, देखिए मैं आज ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज पहले हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद आराम से बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक स्टडी कर ली थी, तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि हाँ, यहाँ तक देख लिया था कि अनुच्छेद 148 सब क्लॉज 5 में क्या लिखा हुआ है कि लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लिए जितने भी कर्मचारी होंगे उनकी सेवा शर्तें जो है वो कैग के द्वारा राष्ट्रपति, मतलब कैग के द्वारा परामर्श, कैग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। या राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त होगी कि जो कर्मचारी है उनकी सेवा शर्तें, गेट बंद कर दो, जो कर्मचारी है उनकी सेवा शर्तों को वो विनियमित कर पाए, ठीक है। आज का लेक्चर जो है वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो कहाँ से, देखो ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ चुके थे, 148 सब क्लॉज 6 भी पढ़ चुके थे, योग्यताएं पढ़ चुके थे। योग्यताओं में हमने देखा था कि संसद को योग्यता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, और भारत का नागरिक हो, जो पहली योग्यता थी कि पहली तो या तो भारत का नागरिक हो, दूसरी बात लोकवित्त और सरकारी लेखा का विशेषज्ञ हो, और तीसरी चीज़ जो बोला, या तो उसने बोला कि या तो 10 वर्षों तक वह लोक सेवक के रूप में रहा हो तो वह व्यक्ति भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनने के लिए योग्यता रखता है। बस इतनी सी योग्यताएं चाहिए, इसके अलावा कुछ और ज़्यादा चाहिए नहीं। आज का लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोगों ने अनुच्छेद 148 पढ़ा था, आज हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 मतलब 149 के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं बार बार बताता हूँ कि मध्य प्रदेश MPPSC लोक सेवा आयोग का जो प्रीलियम्स था, प्री 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन ये आया था कि बताइए कि जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के का कर्तव्य और उसकी शक्तियों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अगर आपको सीधे सीधे रटा नहीं होगा कि अनुच्छेद 149, तो आप क्वेश्चन क्या कराओगे, गलत क्वेश्चन कराओगे, ठीक है। तो सीधे सीधे आप लोगों को याद रखना है 149 का मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की का कर्तव्य और उसकी शक्तियों के बारे में वर्णन है। अब मैं बताता हूं, संविधान में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि उनकी शक्तियों का वर्णन है, उनके कर्तव्य के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन अनुच्छेद 149 में यह बोला गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, इन सभी को निर्धारित करने की शक्ति जो है वो संसद में निहित होगी। मतलब इस संबंध में कोई भी कानून बनाने का जो काम है वो संसद के द्वारा किया जाएगा। संसद जिस भी तरीके का कर्तव्य या जिस भी टाइप की शक्तियां भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देगा, वह उसी तरह के कर्तव्य और उसी तरह की शक्तियों को निर्वहन करेगा। ये बात बोली, मतलब सिंपल सिंपल भाषा में अगर आप समझो तो जो भी कर्तव्य और शक्ति है उसके संबंध में जो भी शक्ति और कर्तव्य निर्धारित किए जाएंगे वो कौन करेगा, तो संसद करेगा। चलिए ठीक है, संसद कानून बनाने में अगर लेट हो जाती है उस संबंध में, तो भी संविधान में कहा गया कि जब तक संसद इस संबंध में कानून नहीं बनाता है,
जब तक संसद इस संबंध में कोई भी नियम नहीं बनाता है तो तब तक वे सभी नियम लागू होंगे जो भारत आज़ाद होने से पहले वो सभी शक्तियाँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या भारत के कैग को वो सभी शक्तियाँ वो सभी कर्तव्य उसके वो कर्तव्य होंगे जो भारत के आज़ाद होने से पहले उस पद के लिए जो डोमिनियन भारत था मतलब डोमिनियन भारत जो था मतलब भारत जो आज़ाद होने से पहले जो ब्रिटिश के ब्रिटिश सरकार के अधीन जो कैग था उसको जो भी शक्तियाँ प्राप्त थी वही सब शक्तियाँ भारत के कैग को प्राप्त होंगी। कब तक? जब तक कि संसद कोई नियम न बना दे। यही स्लाइड में लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा तो मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दी कि संसद को दे दी गई क्या बोला गया संबंध में कैग के कर्तव्य पालन शक्तियों का प्रयोग संसद, ये संसद को शक्तियाँ दे दी गई और जब तक संसद अगर नियम नहीं बनाएगा तो वही होगा, वही शक्तियां प्राप्त होंगी, वही कर्तव्य प्राप्त होंगे जो भारत डोमिनियन या प्रांत में लेखाओं के संबंध में उस समय के कैग को जो शक्तियां प्राप्त थी। इसका मतलब वही है कि अगर संसद कोई नियम कानून नहीं बनाता है, जब तक नियम कानून नहीं बनाता तब तक उस पद को वही शक्तियां मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वही शक्तियां वही कर्तव्यों का निर्वहन करना है जो तत्कालीन मतलब ब्रिटिश समय पर जो भारत था उस समय पर अंग्रेजों ने जो कैग को जो शक्तियाँ और जो कर्तव्य दिए थे उसी तरह की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन भारत का कैग करेगा, इस तरह की बात भारतीय संविधान में कही गई थी। लेकिन आप लोग जानते हैं संसद ने ये नियम बनाया और संसद ने क्या बनाया, संसद ने एक कैग एक्ट बनाया, कैग एक्ट कौन सा 1971 का, इसमें संशोधन भी हुआ 1976 में और संसद ने अपनी शक्ति का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया और कैग एक्ट 1971 बनाया। ठीक है, यही सारी चीज़ें सब यहाँ लिखी हुई है, मैंने बताया आपको ये 1971 का एक्ट 1971 में। ठीक है, और इसके तहत क्या किया जो 1976 में इस अधिनियम में संशोधन भी हुआ और कैग के कर्तव्य और शक्तियों को जो भी शक्तियाँ इस अधिनियम में दी गई है वो इस एक्ट के तहत दी गई। अब हम लोगों को देखना है कि कैग के क्या क्या कर्तव्य कौन से अधिनियम के तहत, तो कौन सा अधिनियम है देखिए, महालेखा परीक्षक या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्ति सेवा शर्त अधिनियम या एक्ट 1971 के तहत जितनी भी शक्तियाँ जो भी दी, जो भी कर्तव्य निर्धारित किए गए, जो भी शक्तियाँ निर्धारित करी गई, वो एक्ट में जो शक्तियाँ और कर्तव्य निर्धारित किए गए वो ये है। देखिए क्या है वो, तो वो ये है कि भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि जब आप लोग क्वालिटी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आप समझोगे। ठीक है, कि संचित निधि क्या होती है, एक अलग ही टॉपिक होता है संचित निधि क्या होती है, लोक लेखा निधि इसके बारे में भी हम लोग संविधान जब पढ़ेंगे तो उस समय आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन आप अभी मोटे मोटे तौर पर ये समझ लो कि भारत की संचित निधि का मतलब भारत का जितना भी धन है वो एक जगह पर एक निधि के में रखा हुआ है, उस निधि को बोला जाता है संचित निधि और लोक लेखा निधि हो गई। ठीक है, तो जो कैग की जो कैग का के जो कर्तव्य है मतलब कैग के जो कार्य है उसमें पहला कार्य बोला गया कि भारत की संचित निधि और लोक लेखा निधि के व्यय, व्यय मतलब जो भी ये खर्चा करते हैं उसका लेखा परीक्षण करना है। अगर उसका किसी ने लेखा मतलब हिसाब किताब तो बना दिया लेकिन उस हिसाब के लेखा परीक्षण का मतलब उस हिसाब किताब का की जाँच करने का जो काम है वो किसका है, जाँच करने का काम जो है वो कैग का है। राज्यों की आकस्मिक एवं लोक लेखा निधि, राज्यों की संचित निधि, ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि। अब देखो लोक लेखा निधि में, लोक लेखा निधि में भारत की जो जनता है उसका पैसा रखा जाता है। ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, और जितने भी सारे जो धन है मतलब जितने भी टैक्स के रूप में जो आते हैं वो सब संचित निधि में आते हैं। दो सेकंड अपन लोग वेट करते हैं। ठीक है, हाँ, दो सेकंड है ना। ओ भाई ये वाला दरवाजा उधर से बंद कर दे यार, बहुत शोर आ रहा है, उनको बोलो कि थोड़ा है ना। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा काम चल रहा है साइड में, तो थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिए, मैं भी मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन मैं, हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको कि देखिए, दो चीज़ें मैं बता रहा था। एक संचित निधि मैंने आपको बताई कि भारत सरकार का जितना भी खजाना है वो कहाँ रखा हुआ है, तो वो संचित निधि में रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ आकस्मिक निधि। हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो इन सब निधियों को अलग अलग एक टॉपिक होता है, आप मान के चलिए कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। लेकिन अभी आप लोग आकस्मिक निधि को का मतलब ये समझिए कि कोई भी गवर्नमेंट एक बजट, एक साल के लिए जो है अपना बजट बनाती है कि इतना पैसा हमें सरकार चलाने के लिए चाहिए। लेकिन उस बीच में अगर कुछ दुर्घटनाएं घट जाती है, कुछ या मान के चलो कि कहीं बाढ़ आ गई या कहीं भूकंप आ गया या कहीं भूस्खलन हो गया, तो वहाँ उस चीज़ के लिए एक अलग से एक निधि होती है। उस निधि से उस राज्य को वहाँ से फंड दिया जाता है कि आप जो है इस जो प्रॉब्लम है इसमें लोगों की मदद करें, इसके लिए एक अलग से फंड दिया जाता है। तो वो फंड जो दिया जाता है वो आकस्मिक निधि से दिया जाता है। तो कुछ भी नहीं, आप तो सिंपल सिंपल दो तीन वर्ड याद रख लो, एक संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोकलेखा निधि। आपको कर्तव्यों की बात आए कैग की तो लिख देना राज्य की संचित निधि। पांच नंबर में पूछा जा सकता है कि कर्तव्यों का वर्णन करो, सबसे पहले अनुच्छेद लिखो कि क्या लिखोगे पांच नंबर में क्वेश्चन, कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियों का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में है, जो कि निम्नवत है। निम्नवत है मतलब पॉइंट नंबर एक, भारत की संचित निधि का परीक्षण लोकलेखा का परीक्षण करता है, लेखा का परीक्षण करता है। फिर दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की लोकलेखा निधि का परीक्षण, ठीक है, मतलब तीन वर्ड, और राज्य और केंद्र के संदर्भ में उसको बांट देना है। ऐसे 6 पॉइंट, 5 पॉइंट आप बना सकते हो, आप लोगों को पढ़ना होगा, मेरा काम था समझाना, ठीक है। आप लोग दो बार स्टडी करोगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। और भी काम, और काम इनमें बताया गया कि देखिए, जो भी केंद्र राज्य सरकार के ऋण जमा, मतलब जो भी ऋण जमा होता है यहाँ पर, निक्षेप, बजट, बचत खाते, धन प्रेषण से संबंधित सभी लेन देन का हिसाब किताब रखता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी विभाग मतलब कोई भी मंत्रालय या कोई भी डिपार्टमेंट में सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण मतलब इन्वेस्टमेंट, लाभ हानि, खाते बैलेंस शीट को ऑडिट करना, मतलब इन सब चीज़ों का हिसाब किताब रखता है, ठीक। केंद्र राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान, वित्त पोषित संस्थान का मतलब ऐसे सभी संस्थान जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है या केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का उसमें पैसा लगा होता है, तो ऐसी सभी संस्थान को बोला जाता है राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान। इनके आय व्यय मतलब जितनी इनकी इनकम है, इनका जितना खर्चा है उस पर नजर रखना या उसका परीक्षण करना। केंद्र एवं राज्य के खातों के प्रारूप से संबंधित राष्ट्रपति को सलाह देना, एक काम अभी हम लोग अनुच्छेद में पढ़ेंगे, आने वाले अनुच्छेद में यही है कि कैग क्या करता है, कैग करता है कि कैग बताता है कि केंद्र का प्रारूप, जो भी हिसाब या लेखा परीक्षण का जो भी प्रारूप होगा वो किस प्रकार से होना चाहिए, और राज्य के लेखा परीक्षण का जो भी प्रारूप होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए। इस संबंध में जो सलाह है वो किसको देता है, तो इस संबंध में सलाह देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। ये काम है राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर अन्य किसी निकाय का लेखा परीक्षण करना और अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपना। ये सभी काम जो है वो किसके हैं, कैग को। अब ये सारे काम तो बोल दिया गया है उस एक्ट में, ठीक है, लेकिन उसमें एक और काम बोला गया कि अगर राष्ट्रपति को लगे कि किसी और संस्था का भी लेखा परीक्षण कराना है तो कैग को वो लेखा परीक्षण करना पड़ेगा। अगर राज्यपाल को लगता है अपने राज्य में किसी संस्था का लेखा परीक्षण या लेखांकन कैग से करवाना है तो वो निवेदन कर सकते हैं उससे, वो भी, ठीक है, लेखा परीक्षणों के लिए निवेदन कर सकता है राष्ट्रपति और निवेदन इस पर, ठीक है, अन्य निकाय को लेखा परीक्षण का करना, निवेदन पर, इनके निवेदन पर लेखा परीक्षण करने का काम भी किसका है, तो कैग का है। और ये जो लेखा परीक्षण की जो भी रिपोर्ट होती है वो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को और राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपता है। यही सारी चीजें अभी आगे के अनुच्छेदों में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप अभी यहां पर वो देखिए, बस आप समझिए आगे वाले अनुच्छेद में वही समझने वाले हम लोग। ठीक है, क्या है भाई साहब, यही है अनुच्छेद 150, मैंने कहा ही था अनुच्छेद 150 में क्या है, कैग राष्ट्रपति को यह सलाह देता है। कैग क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है कि संघ और राज्य सरकार के लेखाओं का प्रारूप कैसा होगा,
इस संबंध में क्या देता है, इस संबंध में सलाह देता है। वही चीज मैंने यहां पर बताई थी कि केंद्र और राज्य के खातों के प्रारूप, खातों का प्रारूप मतलब लेखाओं का प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने का काम जो है वो किसका है, कैग का है। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि मैंने बताया था आपको कि उस अनुच्छेद में भी यही बोला गया था कि राष्ट्रपति को सलाह देता है कैग कि राज्य का और केंद्र का प्रारूप या लेखाओं का प्रारूप जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए, यह जो सलाह देता है वो कौन देता है, कैग देता है। अनुच्छेद 151 में क्या बोला गया है, तो प्रतिवेदनों के बारे में, प्रतिवेदनों को अगर आप लोग देखोगे तो रिपोर्ट बोल दो, ठीक है, रिपोर्ट बोल दो, ठीक है, रिपोर्ट, ठीक है। तो प्रतिवेदन जो है मतलब जो कैग ने पूरे साल जो काम किया है या किसी भी संस्था के लेखांकन का जो भी काम किया है या परीक्षण का जो भी काम किया है उस संबंध में वह एक रिपोर्ट बनाता है, और उस रिपोर्ट को अगर वह रिपोर्ट केंद्र स्तर की है तो उस रिपोर्ट को वो राष्ट्रपति को सौंपता है, और राज्य स्तर की है तो वो उस रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपता है। यही अनुच्छेद 151 में कहा गया। तो देखिए, वही कहा गया कि अनुच्छेद 151 में कैग के प्रतिवेदन के संबंध में प्रावधान किए गए, और इसी को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया कि 151 सब क्लॉस 1 में क्या बोला गया, तो कैग अपनी रिपोर्ट केंद्र स्तर पर, मतलब केंद्र स्तर की अगर कोई रिपोर्ट है तो केंद्र स्तर पर वो रिपोर्ट किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। केंद्र स्तर पर वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, जिसे राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन, प्रत्येक सदन का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत करेगा। इसके बाद की क्या कार्रवाई होगी, तो सदन इस रिपोर्ट को लोक लेखा, मतलब संसदीय समितियों में एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति होती है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। तो जो संसद है, इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंप दिया जाएगा, और लोक लेखा समिति फिर कैग की रिपोर्ट की फिर से जांच करती है। इतनी जटिल प्रोसेस है, आप समझिए, ठीक है। तो क्या हुआ, केंद्र स्तर पर जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति के पास गई, राष्ट्रपति क्या कर रहा है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन, दोनों सदन का मतलब लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत कर रहा है, और लोकसभा और राज्यसभा से ये जो रिपोर्ट है ये जाएगी कहां, लोक लेखा समिति के पास, ठीक है। यही बात अगर हम लोग बात करें 151 सब क्लॉज 2 के बारे में, तो केग अपनी रिपोर्ट को राज्य स्तर पर, मैंने सारी चीजें बता ही चुका हूं, अभी मैं सिर्फ पढ़ने का काम कर रहा हूं, ठीक है। तो राज्य स्तर पर क्या करता है, राज्य स्तर पर अपनी रिपोर्ट को किसको देता है, राज्य स्तर पर अपनी रिपोर्ट को सौंपेगा राज्यपाल को, राज्यपाल के पास पहुंच गई, राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल इसे विधानमंडल के पास भेजेगा। अब विधानमंडल में क्या है, तो विधानमंडल में है विधानसभा और विधान परिषद, ये दो, ठीक है। तो विधानमंडल और विधान परिषद में जाएगी, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यहां से भी राज्य में भी समितियां होती, तो उन समिति, वो समितियों के द्वारा उसकी जांच की जाएगी, ठीक है, लोक लेखा समिति के द्वारा उनकी उसकी जांच की जाएगी, ठीक है। केंद्र सरकार, ठीक है, यहां पर जो है एक नोट है कि केंद्र सरकार के लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण संबंधित कार्य के संदर्भ में कैग राष्ट्रपति के समक्ष 3 लेखाओं का परीक्षण करता है, राष्ट्रपति के सामने 3 लेखाओं का परीक्षण करता है। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार रीडिंग मार लीजिएगा कि कौन कौन से लेखाओं का परीक्षण करता है कैग। तो विनियोग, विनियोग लेखा मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी जो हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं उससे संबंधित जितने भी लेखा है उनका परीक्षण करता है, उनके परीक्षण का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के सामने भेजता है। वित्त लेखा मतलब जितने भी वित्त से संबंधित जितने भी लेखा है अगर उसका, उसकी जांच कैग ने करी है तो वो रिपोर्ट जो है वो किसके पास भेजेगा, राष्ट्रपति के पास वो प्रतिवेदन भेजेगा। वित्त से संबंधित मतलब पैसे से संबंधित जितने भी वो है। सरकारी उपक्रम, सरकारी उपक्रम मतलब ऐसे सभी उपक्रम जिसमें सरकारी धन लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट के रूप में, या ऐसे सभी उपक्रम जिसमें 50% से अधिक भागीदारी सरकार की होती है वे सभी उपक्रम कहलाते हैं सरकारी उपक्रम। तो इन उपक्रमों का लेखा परीक्षण जब कैग के द्वारा किया जाता है तो परीक्षण के बाद वो अपनी प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजता है। मतलब कहने की बात यही है कि अपन ने देखा कि कौन कौन से प्रतिवेदन
राष्ट्रपति के पास, मतलब हमने ये तो देख लिया कि कैग जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है, लेकिन वो कौन कौन सी रिपोर्ट होती है जो राष्ट्रपति को भेजता है, तो वो ये तीन रिपोर्ट होती है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है, एक रीडिंग मारने में हमारा कुछ नहीं जाता, तो आप रीडिंग मार लीजिए। जो इंपॉर्टेंट होता है उसके ऊपर स्टार चिपका दिया जाता है, ठीक है, स्टार चिपका दिया जाता है मेरे द्वारा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वही सारी चीज़ें, राष्ट्रपति इन लेखा प्रतिवेदनों को कहाँ भेजता है, संसद के समक्ष रखता है, और बाद में लोक लेखा समिति इन प्रतिवेदनों की जांच करती है, और पुनः संसद में जांच करने के बाद पुनः संसद में पेश किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझना है, आप लोगों को इंडिया या भारत की इस प्रोसेस के बारे में समझना है। आप अगर ध्यान से समझेंगे ना, तो इतनी प्यारी, मतलब मैं कहूं इतनी अच्छी प्रोसेस है, आप समझिए। पैसा खर्च कौन करता है? अब देखिए, संचित निधि में धन है, यहां पर समझिए कि, दो सेकंड, संचित निधि की बात कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ, जो धन है वो मैंने, ठीक है, चलिए उसको वैसे ही समझते हैं, ओके, यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि भारत का जितना भी धन है वो कहाँ रखा हुआ है, तो वो रखा हुआ है संचित निधि में, ठीक है, संचित निधि में रखा हुआ है, ये हो गया। अब यहाँ से इस धन को खर्च कौन करता है, तो कार्यपालिका के द्वारा, या जितने भी कार्यपालिका है हमारी, कार्यपालिका के द्वारा किसी न किसी योजना या किसी न किसी उद्देश्य से लोक सेवाओं में या लोक कल्याण में इस धन को खर्च किया जाता है। कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, सब कुछ होती है, ठीक है, कार्यपालिका के द्वारा ये किया जाता है। अब देखिए, इसका हिसाब किताब कौन रहता है, ये क्या हो गया, ये खर्च लोक कल्याण में खर्च, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो रहा है, इसका हिसाब किताब कौन रख रहा है, तो एक व्यक्ति है, एक अधिकारी है, कैग, ये क्या कर रहा है, इसका हिसाब किताब कर रहा है, ये इसका हिसाब किताब कर रहा है, ये एक अधिकारी है, मान लो एक अधिकारी है, इसका संसद से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, यह एक अधिकारी है, ठीक है, एक ऑफिसर है जो काम कर रहा है लेखांकन का, कैग, ठीक है। इसके बाद ये अपनी रिपोर्ट देता है संसद के पास, मतलब राष्ट्रपति, यहाँ आप राष्ट्रपति से संसद कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बोलेगा कि अभी तो आपने पढ़ाया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास जाएगी, और राष्ट्रपति से ये जो रिपोर्ट है ये कहाँ जाएगी, तो ये जाएगी संसद में। अब जो काम होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, फिर मैंने आप लोगों को बताया क्या, संसद पहुँच गई, अब संसद से अपन इसको इधर इधर इधर, ये संसद आ गए अपन, इसको और छोटा कर दें, ठीक है, दो सेकंड, ठीक है, हाँ ये आ गए अपन, ठीक है, कहाँ आ गए, संसद के पास आ गए, संसद के पास रिपोर्ट पहुंच गई। अब देखो संसद ने क्या किया, संसद ने एक समिति बनाई हुई है जिसे क्या कहा जाता है, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यह एक समिति। अब यह समिति क्या करेगी, तो यह समिति करेगी इस ऑफिसर ने जो भी जांच करी है, जो भी हिसाब किताब रखा है, उसकी भी जांच एक बार कौन करेगी, लोक लेखा समिति। आपको जानकर बहुत ज्यादा वो लगेगा, देखिए मैं बताता हूँ, उससे पहले जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो उस समय सारी समितियाँ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस लोक लेखा समिति में होते हैं 22 सदस्य, और इन 22 सदस्यों, ये सब के सब जो सदस्य होते हैं वो संसद के मेंबर होते हैं, संसद के मेंबर मतलब लोकसभा के और राज्यसभा के। तो इसमें भी यह बोला गया कि 15 मेंबर जो इस 22 में से जो 15 मेंबर हैं, जो 15 मेंबर हैं वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे लोकसभा से, और बचे हुए जो सात मेंबर हैं ये कहाँ से आएंगे, ये आएंगे राज्यसभा से, राज्य
राज्यसभा से। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। मतलब लोक लेखा समिति में कितने मेंबर? 22 मेंबर रहेंगे। उन 22 मेंबरों में से 15 मेंबर जो होंगे वो कहाँ के होंगे? 15 मेंबर जो होंगे वो लोकसभा के, और 7 मेंबर जो होंगे वो राज्यसभा के। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होगा ना, इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा ना, मतलब इन 15 में से जो एक प्रेसिडेंट बनेगा वो हमेशा, हम भारत में ऐसी एक प्रचलन है, भारत में एक ऐसा एक रिवाज है, एक रीति रिवाज है कि हमेशा ये अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है? विपक्ष का नेता। ठीक है, अब आप समझिए हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। कार्यपालिका भारत की संचित निधि से धन खर्च कर रही है। एक अधिकारी, हम कैग को अधिकारी ही मान रहे हैं, एक अधिकारी उसके उससे संबंधित जो भी लेखा जोखा या हिसाब किताब रख रहा है, ठीक है, उसकी जांच कर रहा है। जांच करने के बाद वो रिपोर्ट संसद में जा रही है। संसद में जाने के बाद फिर से उस रिपोर्ट की जांच कर रहा है कौन? लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति में भी कौन? विपक्ष का नेता। ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष लोक लेखा समिति का विपक्ष का नेता है, तो इतनी अच्छी प्रोसेस है कि सरकार खर्च कर रही है और उस खर्चे की जो जांच है वो कौन कर रहा है? विपक्ष की पार्टियां कर रही है। विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बन के उस जो लेखा है, जो भी खर्चा है, उस सभी का की जांच कर रही है, उन सभी का परीक्षण कर रहा है। अगर कुछ कमी या घोटाला अगर कुछ समझ आता है तो वो फिर से संसद में वापस भेज दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को यहां पर लोक लेखा समिति समझनी थी। 22 सदस्य और 22 में से 7, 15 जो है वो लोकसभा से, और उनमें से जो 7 है वो कहां से? तो उनमें से जो 7 है वो हमारे राज्यसभा से। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग देखें, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग देखें कि जो ये कैग है और कैग को ऑडिट के अधिकार भारतीय संविधान में किन किन स्रोतों से मिलते हैं, तो अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, ये हर पहली क्लास से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है ये अधिकार संवैधानिक अधिकार है। फिर हम लोगों ने कुछ नियम भी बनाए, कुछ एक्ट पारित किए, और वो अधिनियम कौन सा था? वो एक्ट था हमारा कैग एक्ट 1971। इसमें जो संशोधन हुआ वो कब हुआ? तो 1976 में इसमें संशोधन भी कर दिया गया। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय से इसको ऑडिट का अधिकार मिलता है, भारत सरकार के निर्देश से मिलता है। लेखा और लेखा परीक्षण विनियम एक नियम है बनाया गया भारत सरकार के द्वारा 2017 में, लेखा और लेखा परीक्षण विनियम, इससे भी कैग को जो है वो ऑडिट के अधिकार प्राप्त होते हैं। उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फैक्ट फैक्ट में अगर कुछ याद रखना चाहते हैं तो आपको ये याद रखना है संवैधानिक अनुच्छेद, और दूसरी चीज जो है वो आपको एक्ट याद रखना है। इसके अलावा इस स्लाइड में कुछ याद रखने लायक है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बोला गया है कि कैग के पद की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। सारी चीजें मैं बोल रहा हूं आपको, हर चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, हर चीज को हमने बहुत अच्छे से देख चुका है। अभी हम लोग बस और बस एक काम कर रहे हैं कि स्लाइड में जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी हुई है उस इंफॉर्मेशन को हम रीड करने का काम कर रहे हैं। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब कैग अपने काम को स्वतंत्रतापूर्वक अच्छे से कर पाए, निष्पक्ष रूप से अच्छे से कर पाए। इसीलिए संविधान में जो भी हम लोगों ने एक अधिनियम बनाया है या संविधान में जो भी प्रावधान किए हैं, उन प्रावधानों के बारे में क्या करना है हम लोगों को डिस्कस करना है। अब देखिए, सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चीज को स्लाइड में डालने का हमारा उद्देश्य यह है कि आप समझिए कि मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब ये टॉपिक किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारी मुख्य परीक्षा के लिए या मेंस के लिए? मेंस में आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन सकता है सीधे सीधे। कितने नंबर का? 5 नंबर का। क्या क्वेश्चन बनेगा कि बताइए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अधिनियम या संविधान में कौन कौन सी चीजों का उल्लेख किया गया है या कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपको 5 पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों को लिखते आना चाहिए। तो वही ये उद्देश्य जो इस चीज को डालने का उद्देश्य है वो यही है। क्या है? देखिए कि कैग के पद की महत्व को देखते हुए पर्याप्त स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। अब क्या क्या की गई है? तो सबसे पहले तो कार्यकाल की सुनिश्चितता दी गई,
सबसे पहले तो कार्यकाल की सुनिश्चितता दी गई। क्या बोला गया कि कैग के कार्यकाल जो होगा वो निश्चित होगा, और वो क्या होगा वो कार्यकाल, तो बोला गया है 6 वर्ष, 6 वर्ष के साथ 65 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, तो ये कार्यकाल की सुनिश्चितता हो गई। और बोला गया नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ये सारी चीजें जो आती है ये पद की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए होती है कि 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक वो अपने कार्य पर कार्य करता रहेगा। पद को हटाने की जो है वो निर्धारित प्रक्रिया, मतलब ऐसी कोई भी क्रिया या ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी जिससे कि कैग के पद को ऐसे ही हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी एक निश्चित प्रक्रिया होगी, और निश्चित प्रक्रिया के तहत ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाएगा। वो प्प्रक्रिया का वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 148 सब क्लॉस 1, और इसमें क्या बोला गया है कि कैग को उसी प्रकार से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इस प्रोसेस के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे बोल दीजिए कि नहीं सर आपने नहीं पढ़ाया, तो मैं आपको कहूंगा कि आप जाकर पुराने वीडियोस देखिए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो पद की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए पहला पॉइंट तो ये कि कार्यकाल की सुनिश्चितता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा करता है की जाती है, और दूसरा पॉइंट ये है कि पद से किसी अन्य आधारों से तो बिल्कुल ही नहीं हटाया जा सकता कैग को, कैग को सिर्फ और सिर्फ उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सेवा शर्त और नियुक्ति के बाद, मतलब जब भी एक बार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर दी जाती है तो उसके बाद उनकी सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसकी सेवाओं को या शर्तों को उनको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे कैग की सेवा शर्तों में हानि हो या कैग को नुकसान हो। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पद धारण पर रोक, ये सारी चीजें भी मैं 148(4) में आपको बता चुका हूं कि कैग को भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी अन्य पदों पर अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद किसी अन्य पदों पर उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती जो उसके अपवाद थे, वो अपवाद भी मैं आप लोगों को बताया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास देखी होगी तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा, और मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आपसे 11 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन जो बनेगा आपका 5 नंबर का बनेगा कि कैग के पद की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में या अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो ये आप सबको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। अगली चीज जो देखते हैं वो है लेखांकन। ठीक है, लेखांकन का मतलब देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था, सबसे पहली चीज समझिए कि कैग के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, कैग की जो सेवा शर्तें होती है, कैग का जो कर्तव्य होता है, कैग की जो शक्तियां होती है, इन सब चीज़ों के बारे में संविधान में वर्णन नहीं है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, और इन सब चीज़ों को निर्धारण करने की जो शक्ति है वो भारत का संविधान जो शक्ति देता है वो किसको देता है, ये शक्ति देता है संसद को। हर बार हर क्लास में 2500 बार मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये शक्ति किसको मिलती है, संसद को। संसद ने अपनी शक्ति का बखूबी उपयोग किया, कब किया, तो 1971 में किया। ठीक है, और 1971 में क्या किया संसद ने, अपनी शक्ति का प्रयोग करके एक एक्ट बनाया, एक अधिनियम बनाया, जिसको क्या बोला गया, कैग एक्ट। ठीक है, कैग एक्ट बोला गया, कैग एक्ट 1971। इस अधिनियम में कब संशोधन किया गया, तो 1976 में इसमें संशोधन किया गया। क्या किया गया, संशोधन किया गया। अब देखिए बात, ये चीज क्यों सर आप बार बार क्यों समझा रहे थे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस संशोधन में क्या हुआ, इस संशोधन में कैग किससे संबंधित संशोधन किया, और कैग को बोला गया अब आपको जो है वो लेखांकन
लेखांकन संबंधी सभी कार्य, लेखांकन से संबंधित सभी कार्यों से क्या किया जाता है, मुक्त किया जाता है, कार्यों से मुक्त किया जाता है। मतलब इस संविधान संशोधन के तहत कैग को बोला गया आपको केंद्र के स्तर पर, यह चीज भी मैं बताता हूं आपको, यह चीज जो है वो केंद्र के स्तर पर, मतलब केंद्र का लेखांकन जो है वो आपको नहीं करना है, आपको केंद्र का हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है, आपको जो है वो केंद्र के जो हिसाब किताब है उनकी जांच करने का बस दायित्व है। मतलब लेखांकन संबंधी सभी कार्यों से इसको मुक्त कर दिया गया और जो कार्य दिया गया वो है लेखा परीक्षण का, लेखा परीक्षण का, ठीक है, लेखा परीक्षण का काम दे दिया गया। बोला गया कि अब आपको लेखा परीक्षण करना है, लेखांकन का काम जो है वो कार्यपालिका करेगी, मतलब संबंधित विभाग करेंगे, मतलब संबंधित मंत्रालय करेंगे, मतलब जो भी पैसा वो खर्च करते हैं किसी भी योजना के ऊपर तो उससे संबंधित जो हिसाब किताब है वो संबंधित विभाग करेगा। मतलब विभाग का मतलब कोई अगर मंत्रालय है तो वो क्या है, वो कार्यपालिका है, तो संबंधित कार्यपालिका करेगी, ठीक है, संबंधित कार्यपालिका ये काम करेगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें राज्य स्तर पर, अगर हम लोग इस संविधान संशोधन में बोला गया कि पैन क्यों नहीं चल रहा है, हाँ, राज्य स्तर की बात करें, राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर जो कैग के जो काम है, राज्य स्तर पर कैग के जो काम है वो कैग क्या क्या काम करता है, तो कैग पहला काम तो उसका है लेखांकन, लेखांकन का काम भी करेगा, प्लस साथ ही साथ जो काम करेगा वो लेखा परीक्षण, ठीक है, लेखा परीक्षण का काम भी कैग ही करेगा। मतलब दोनों की दोनों जो चीजें हैं वो कौन करेगा, कैग। राज्य स्तर पर अगर हम लोग, केंद्र स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो कैग सिर्फ और सिर्फ लेखा परीक्षण का काम करता है, लेखांकन का काम संबंधित विभाग या संबंधित मंत्रालय को दे दिए गए। लेकिन राज्य स्तर की अगर हम लोग बात करें तो राज्य स्तर पर लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों के ही जो, दोनों की ही जो जिम्मेदारी है वो कैग के ऊपर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें सर आप क्यों समझा रहे हैं, तो यहां पर इसलिए समझा रहा हूं ये सारी चीजें क्योंकि हम लोगों को समझना है कि लेखांकन क्या होता है। लेखांकन आप समझिए कि देखिए, लेखांकन जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि देखिए इसमें सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन, मतलब पैसों से संबंधित जितने भी लेन देन होंगे, पैसों से संबंधित जितने भी लेन देन होंगे जो सरकार करती है उसका व्यवस्थित और लिखित रूप से हिसाब रखा जाता है। मतलब लेखांकन का मतलब है व्यवस्थित और लिखित रूप में किसी भी चीज का हिसाब। जैसे मान के चलिए कि आप अगर घर में, आप लोगों को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जाती है, आपको बोला जाता है कि ये 10,000 रुपये आप पकड़ो और 10,000 रुपये में आपको पूरे घर का एक महीने का जो है वो खर्चा चलाना है, सारे किराना जो भी सारी चीजें आप लोगों को चलाना है, तो आप लोग जो भी पैसा खर्च करोगे अगर उसको आप अपनी डायरी में मेंटेन करके अगर आप लिखते हो, ठीक है, अगर आप डायरी में लिख कर हर जिस भी चीज पर, अगर आप चाय पत्ती मंगाते हैं तो आप चाय पत्ती लिखते हैं कि चाय पत्ती मैंने इतने रुपए की मंगाई है, हर चीज का एक व्यवस्थित और लिखित रूप में अगर आप उस डायरी को मेंटेन करते हो तो आपके घर के स्तर पर वो जो डायरी है, जो आपने जो काम किया, जो लिखने का जो काम किया, वो कहलाता है लेखांकन। फिर आपके पापा आएंगे, पापा बोलेंगे कि मैंने आपको 10,000 रुपये दिए थे, अब लाओ, वो अपनी डायरी दिखाओ, कि तो एक महीने बाद बोलेंगे कि लाओ डायरी दिखाओ, आप लोगों ने ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया। तो जब आपकी वो डायरी चेक की जाएगी तो जो आपके पिताजी या आपकी माताजी जो काम कर रही है तो वो काम कहलाता है लेखा परीक्षण का। आपने जो काम किया वो लेखांकन, जो आपके माता और आपके पिता जो चेक करने का काम कर रहे हैं वो होता है लेखा परीक्षण, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो जो लेखांकन क्या होता है, लेखांकन होता है जो भी वित्तीय लेन देन है, वित्तीय लेन देन मतलब पैसों से संबंधित जितने भी लेन देन है उनका लिखित एवं व्यवस्थित हिसाब किताब रखना, ये लेखांकन कहलाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि उल्लेखनीय है कि अब लेखांकन अर्थात लेखों को बनाने का दायित्व जो है वो संबंधित मंत्रालय को है, ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं। और ये चीज कब हुई, तो 1976 में जब कैग एक्ट में संशोधन किया गया उसके तहत जो काम किया गया वो ये किया गया कि जो है कैग को सिर्फ और सिर्फ लेखा परीक्षण का काम दिया गया केंद्र स्तर पर, ठीक है, और लेखांकन का जो काम दिया गया वो संबंधित मंत्रालय को दिया गया। देखिए ये हो गया, ये सारी चीजें हो गई।
कैग के द्वारा केंद्र स्तर पर, ये वही सारी चीजें, कैग के द्वारा केंद्र स्तर पर लेखा परीक्षण के लिए उत्तरदायी है, लेकिन राज्य स्तर पर लेखांकन, लेखांकन के साथ लेखा परीक्षक दोनों के लिए उत्तरदायी है कैग। ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं। तो सर सारी लाइनें आप समझा दिए, अब पहली लाइन नहीं समझाए, ये कि कार्यपालिक कार्य है, कि लेखांकन एक कार्यपालिक काम है। तो ये जो भाई साहब, ये जो बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जो मैं आपको समझा रहा था ना, हाँ ये जो व्हाइट बोर्ड पे जो मैं आपको समझा रहा था ना, ये वही था। ये क्या था, मैंने आप लोगों को कहा कि कैग, अब समझिए क्या मैंने आप लोगों को कहा कि कैग जो है क्या काम कर रहा है, कैग जो कर रहा है लेखा परीक्षण का काम कर रहा है, ठीक। लेखांकन का काम कौन कर रहा है, मंत्रालय कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि संबंधित मंत्रालय, मतलब रेलवे मिनिस्ट्री से संबंधित अगर कुछ खर्चा होता है तो उसका हिसाब किताब कौन रखेगा, रेलवे मंत्रालय रखेगा, और रेलवे के जो मंत्री है और उसमें जो कार्य करने वाले जितने भी अधिकारी है वो क्या है, वो कार्यपालिका का हिस्सा है। कार्यपालिका मैंने आप लोगों को बता ही थी कि कार्यपालिका दो टाइप की होती है, एक कार्यपालिका होती है स्थायी कार्यपालिका और दूसरी कार्यपालिका जो होती है वो अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं, जितने भी इस देश के नौकरशाह है वो स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, और जितने भी मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य, मतलब संबंधित मंत्रालय से संबंधित मंत्री, जो मंत्री है वो इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब के सब अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। मतलब लेखांकन हिसाब किताब रखने का काम कौन कर रहा है, संबंधित मंत्रालय कर रहा है। तो संबंधित मंत्रालय अगर वो काम कर रहा है, मतलब कौन कर रही है, कार्यपालिका वो काम कर रही है, कार्यपालिका वो काम कर रही है, इसका मतलब है कि लेखांकन जो है वो एक कार्यपालिक कार्य है, कार्यपालिक कार्य है, लेकिन कहाँ, केंद्र स्तर पर ये जो कार्य है ये कार्यपालिक कार्य है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या क्वेश्चन बनेगा प्री का, तो प्री का जो क्वेश्चन बनेगा वो भी समझ लीजिए। प्री का क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कार्य वो लेखांकन है, सीधे सीधे सिंपल आएगा कि लेखांकन है, लेखांकन है, ठीक है, क्या क्या है। तो ऑप्शन ए आएगा कि बताइए संसदीय कार्य, संसदीय कार्य, ठीक है। ऑप्शन बी आएगा अर्ध संसदीय कार्य, अर्ध संसदीय कार्य, ठीक है। ऑप्शन सी कार्यपालिक कार्य, कार्यपालिक कार्य, और ऑप्शन डी आएगा कि बताइए अर्ध कार्यपालिक कार्य, अर्ध कार्यपालिक कार्य। अब देखिए कितना टफ क्वेश्चन है, आप समझिए इस बात को। आप अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन अगर आप समझ चुके होंगे कि लेखांकन का कार्य जो है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, पूरी तरीके से लेखांकन का कार्य जो है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, तो आप सीधे सीधे टिक मारेंगे ऑप्शन सी कि ये कार्यपालिका, क्योंकि संसद ये काम नहीं करती, ठीक है। अर्ध संसदीय भी नहीं, क्योंकि संसद का किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, जो ये कार्य है वो किसका है, कार्यपालिका का कार्य है, अर्ध कार्यपालिका भी हम लोग नहीं बोलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक एक चीज से क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये स्लाइड आप लोग समझ चुके हैं, इस स्लाइड के बाद अगर हम लोग देखें कि लेखा परीक्षण, फिर से वही बात, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया ना, आपने 10,000 रुपए लिए, आपको एक महीने के लिए अपना घर चलाना है, आपने जो डायरी मेंटेन करी वो लेखांकन, और अब उस डायरी को अगर आपकी मम्मी, आपके माता, आपके पिता अगर उस डायरी को चेक करते हैं कि बेटा हमने आपको 10,000 रुपए दिए थे, अब आप वो 10,000 रुपए का हिसाब किताब आप हमें दो, हम चेक करेंगे कि आपने सही जगह पे वो पैसा खर्च किया है या नहीं किया, तो ये हो जाएगा लेखा परीक्षण। तो अब यहां पर हम लोगों को लेखा परीक्षण के बारे में भी देखा जाएगा। अब देखिए यहां पर जो है, अब क्या बनेगा, यहां मेंस का क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर में, क्या बनेगा कि बताइए लेखांकन क्या होता है, लेखांकन आएगा 3 मार्क्स में, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि घर पे ही खुद से क्वेश्चन बनाए कि लेखांकन के ऊपर मैं 3 बिंदु क्या लिख सकता हूं, 3 मार्क्स में मैं क्या क्या लिख सकता हूं। तो सबसे पहले तो आपको परिभाषा कैसी, तो परिभाषा ये कि
सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेनों को व्यवस्थित एवं लिखित रूप में लिखना लेखांकन कहलाता है। यह एक कार्यपालिक कार्य है, दूसरा पॉइंट, ठीक है। फिर आप एग्जांपल दे सकते हो कि वर्तमान में केंद्रीय स्तर पर जो भी सारी चीजें हैं कि कैग का काम जो है वो लेखा परीक्षण का है, लेकिन लेखांकन का कार्य जो है वो संबंधित मंत्रालयों का है, ठीक है। ये सारी चीजें आप जितना डाल सकते हैं वो डालिए। तीन नंबर में आपसे लेखांकन पूछा जा सकता है, लेखा परीक्षण भी 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए लेखा परीक्षण क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है, समझा मैं चुका हूं, डेफिनेशन देख लेते हैं कि देखिए इसमें सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन पूर्ण होने के पश्चात, मतलब वित्तीय लेनदेन जब पूर्ण हो जाते हैं, जो भी लेखा कौन बनाता है, लेखांकन कौन करता है, तो कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका करता है, कार्यपालिका लेखांकन का कार्य करता है। उसकी जांच करना या उसकी परीक्षण करने का जो काम है वो क्या है, वो लेखा परीक्षण है। यह कार्य मुख्य रूप से कैग के द्वारा किया जाता है। आप भी जानते हैं, मैंने बोला कि जांच करने का काम जो है वो कौन करता है, तो कैग करता है। जो बात आती है वो ये कि यह अर्ध संसदीय कृत्य है, ठीक है, यह जो है वो अर्ध संसदीय कार्य है। तो सर इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये जो है वो अर्ध संसदीय कार्य है, जैसे कि मैंने यहां पर आप लोगों को कर दिया था कि लेखांकन का जो कार्य है वो कार्यपालिक कार्य है, लेकिन अगर हम लोग लेखा परीक्षण की बात करेंगे तो यह किस प्रकार से अर्ध संसदीय कार्य है। सर ये तो कैग काम कर रहा है, तो कैग ने तो काम कर दिया, क्या कर रहा है कैग ने, काम कर दिया परीक्षण का, कैग ने परीक्षण का काम, अपना लेखा परीक्षण का काम कर दिया। और शायद आपको याद हो तो मैंने अभी ही आपको बताया था कि कैग के लेखा परीक्षण के बाद जो उसका उसका जो परीक्षण वाली जो रिपोर्ट है वो कहां जाती है, वो जाती है संसद में। बताया था ना मैंने, यहां से जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगा। राष्ट्रपति का काम क्या होगा, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को किसको देगा, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में पेश करेगा, ठीक है। अब सॉरी, संसद में पेश करेगा। अब संसद में क्या होगा, तो संसद में एक समिति बनेगी जिसे क्या बोला जाता है, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है, लोक लेखा समिति जो कार्य करती है वो क्या, लोक लेखा समिति कैग की जो रिपोर्ट होती है उसकी फिर से एक बार जांच करती है। तो लोक लेखा समिति के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि 22 सदस्य होते हैं, 22 में से 15 जो होते हैं वो लोकसभा से, प्लस 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सब कुछ आप जानते हैं। तो आप समझिए कि किस प्रकार से ये जो है वो अर्ध संसदीय काम है। आधा काम जो है वो कैग ने कर दिया, आधा काम जो है वो किसने कर दिया, कैग ने कर दिया, कि कैग ने पूरी की पूरी जो लेखा है, पूरा का पूरा जो लेखांकन है इसका जो है वो परीक्षण कर दिया। तो आधा काम कर दिया इसने, मतलब परीक्षण का काम किया किसने, कैग ने किया। और एक दफा पर परीक्षण का काम कौन कर रहा है, लोक लेखा समिति कर रही है। तो मतलब देखिए, अब कैग जो है वो संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, संसद सदस्य नहीं है कैग जो है वो संसद का सदस्य नहीं है, मतलब इसने जो काम किया वो संसदीय कार्य नहीं है। लेकिन लोक लेखा समिति जो कार्य कर रही है वो संसदीय कार्य है। क्यों संसदीय कार्य है, क्योंकि लोक लेखा समिति संसदीय समिति है, और लोक लेखा समिति में जितने भी सदस्य है वो संसद के सदस्य है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 22 में से 15 लोकसभा और 7 जो है वो राज्यसभा से है, मतलब सब के सब जो है वो संसद के सदस्य है, और लोक लेखा समिति भी संसदीय समिति है। इसीलिए लोक लेखा समिति के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो संसदीय कार्य कहलाता है, और कैग के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो संसदीय कार्य नहीं कहलाता है। मतलब आप समझिए, परीक्षण के काम दो लोगों ने किए, कैग ने भी अपना काम किया, और किसने किया, और लोक लेखा समिति ने किया। लोक लेखा समिति संसदीय है, कैग का संसद से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो लेखा परीक्षण का जो कार्य है वो अर्ध संसदीय कार्य है, क्योंकि आधा काम जो है वो किसने किया, आधा काम जो है वो कैग ने किया, और आधा काम जो हुआ वो कहां पे हुआ, लोक लेखा समिति के द्वारा किया गया। इसी वजह से बोला जाता है कि जो लेखा परीक्षण का जो काम है वो कैसा है, अर्ध संसदीय कृत्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
हिल जाओगे, मैं कह रहा हूं आपको, आपके दिमाग के सारे स्क्रू खुल जाएंगे। अगर आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 2-3 बार और देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब क्वेश्चन के रूप में सामने आएगा। अब इतने सारे स्टार अगर मैंने लगा दिए, इसका मतलब इसकी गहराई, इसकी इम्पॉर्टेंस को आपको समझना होगा और देखना होगा। क्या क्या प्री का क्वेश्चन बता दिया, सेम इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने लेखांकन में कहा गया था कि लेखांकन है अर्धसंसदीय कार्य, संसदीय कार्य, कार्यपालिक कार्य, अर्धकार्यपालिक कार्य, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको सही टिक करना पड़ेगा। 3 नंबर में लेखा परीक्षण आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो वही है कि जो कैग है वो धन का लेखा परीक्षण 2 आधारों पर करता है। कितने आधारों पर करता है, मतलब जो भी वो परीक्षण है वो 2 आधारों पर करता है। एक तो है कि उद्देश्य, किसी विशेष उद्देश्य के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया गया है, कोई वित्त खर्च किया गया है तो उस आधार पर करेगा। और दूसरा है अतिव्यवता। अतिव्यवता का मतलब है जितना भी व्यय है, जो एक्स्ट्रा जो व्यय है उसके आधार पर किया जाता है। अनुच्छेद 279 के अनुसार शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित होती है। ये आपको जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, इकोनॉमी में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है कि अनुच्छेद 279 में ये बोला गया कि जो भी भारत की जो राष्ट्रीय आय होगी, जो शुद्ध आय होगी, उसकी गणना जो है वो कैग के द्वारा प्रमाणित होती है। मतलब कैग प्रमाणित करेगा, उसके बाद ही वो जारी कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए कैग और लोक लेखा समिति, कैग और लोक लेखा समिति के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। दोनों के दोनों जो काम करते हैं वो लेखा परीक्षण का काम करते हैं, लेकिन एक के बाद एक करते हैं। पहले कैग करता है, कैग के बाद कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति वो रिपोर्ट जो है वो संसद में पेश, के दोनों सदनों में पेश करता है, और संसद के दोनों सदनों से वो रिपोर्ट जाती है लोक लेखा समिति के बाद। लोक लेखा समिति फिर से पूरी रिपोर्ट की जांच करती है, और जांच होने के बाद लोक लेखा समिति वापस उन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखती है। तो यही संबंध है लोक लेखा समिति और कैग के अंतर्गत जो चीजें हैं पढ़ने की वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में गठित की गई थी। मतलब ये है कि ये हमारा भारत का संविधान बनने से पहले ये जो समिति है ये स्थायित्व में थी। मतलब इसका जो अगर गठन हम पूछे कि भारत की जो भी है लोक लेखा समिति, इसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, 1919 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत 1921 में गठित की गई थी। बाकी सारी चीजें ठीक है। कैग ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य में लेखा लोक लेखा समिति को सौंपता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट केंद्र स्तर पर क्या करता है, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को, राज्य स्तर पर राज्यपाल को। अब इसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल इसको सदनों में पेश करेंगे, उसके बाद वो जो है वो रिपोर्ट वो लोक लेखा समिति को सौंपी जाएगी। वही चीज़ इसमें लिखी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये सब हम लोग देख चुके हैं कि विनियोग खाते, वित्त खाते और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऑडिट की रिपोर्ट, सारी चीज़ें जाँच की जाती है। कैग सबसे जरूरी मामलों की एक सूची तैयार करके लोक लेखा समिति को सौंपता है। कैग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी मामले होते हैं बोलते हैं कि इसकी आप जांच करिए, तो वो एक सूची लोक लेखा समिति को सौंपता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो भाई साहब ये क्वेश्चन बनेगा कि बताओ कैग को किस समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है, ठीक है। तो कैग को लोक लेखा समिति का मित्र एवं लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है, ये आपको याद रखना है। प्री का सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि दोनों काम जो है वो एक ही काम कर रहे हैं। कैग जिस रिपोर्ट को बना रहा है, उस रिपोर्ट के जिस रिपोर्ट का परीक्षण कर रहा है, उसी रिपोर्ट का परीक्षण कौन कर रहा है, लोक लेखा समिति भी कर रही है। इसीलिए दोनों को क्या माना जाता है, दोनों को माना जाता है मतलब कैग को लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक या लोक लेखा समिति का मित्र माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ब्रिटेन की कैग से तुलना। फिर से मैं कहूं आपको तो या तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा मेंस में, या 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भारत का कैग किस प्रकार से ब्रिटेन के कैग से अलग है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि भारत का कैग जो है वो केवल महालेखा परीक्षक, मतलब परीक्षण करने की भूमिका निभा रहा है केंद्र स्तर पर। मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया अभी मैंने बताया कि 1976 में जो उस अधिनियम में संशोधन किया गया, तो उस संशोधन के तहत
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को एक कार्य से मुक्त कर दिया, वो कार्य था उसका लेखांकन। मतलब अब जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा, तो परीक्षण का काम करेगा। लेकिन ठीक है, ये बोला गया वही, जबकि ब्रिटेन का केग महालेखाकार के साथ साथ नियंत्रक एवं महालेखाकार की भी शक्ति, मतलब ब्रिटेन का जो केग है वो लेखांकन के साथ साथ लेखा परीक्षक का काम भी करता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। दूसरी चीज, अब भारत में क्या होता है, भारत में होता है कि जब पैसा खर्च हो जाता है, ठीक है, जैसे मान के चलो कि मुझे 10,000 रुपये दे दिए, अब मैंने खर्च कर दिया, अब खर्च होने के बाद मैं हिसाब बनाता हूँ, उसके बाद जो है वो कैग परीक्षण करता है। लेकिन ब्रिटेन में उल्टा होता है, ब्रिटेन में ये होता है कि पहले ही हिसाब बना दिया जाता है, ठीक है, मतलब पहले ही हिसाब बना दिया जाता है, मतलब कि अगर आपको किसी योजना पर कोई पैसा खर्च करना है तो आपको पूरा का पूरा लेखा जोखा पहले ही देना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं इतना पैसा खर्च करूँगा, यहाँ पर इतनी इस चीज़ का ये आएगा, तो पहले ही, अब जब सारी चीज़ें वो पहले बता देगा कि ये उसके बाद ही बिना कैग की अनुमति के संचित निधि से वहाँ पैसा नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, यहाँ। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पैसा खर्च होने के बाद जो है वो कैग उसका हिसाब किताब करता है, लेकिन ब्रिटेन में पहले हिसाब देना पड़ता है, अगर कैग को लगता है कि हाँ ये सही है तो उसके बाद कैग अनुमति देता है कि हाँ संचित निधि, इनकी संचित निधि से यहाँ से पैसा निकाल दो, तो बिना कैग की अनुमति के एक भी पैसा वहाँ की संचित निधि से नहीं निकलता। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ खर्चा होने के बाद खातों का लेखा जोखा, मतलब पोस्ट फैक्टो है, पोस्ट फैक्टो का मतलब है खर्च होने के बाद में हम लोग लेखांकन करते हैं, और यहाँ की अगर बात करें तो यह है प्री फैक्टो, मतलब खर्च होने से पहले ही उसका हिसाब किताब कर लिया जाता है। बात यह है कि हमारे यहाँ का कैग संसद का सदस्य नहीं है, मतलब मैंने आपको बताया ही, क्योंकि अगर हमारे यहाँ का कैग संसद का सदस्य होता तो लेखा परीक्षण का काम पूर्णतः संसदीय कार्य होता, अर्ध संसदीय नहीं होता, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है कैग संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन का जो कैग है वो हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब वहाँ का जो लोअर वो है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है निम्न सदन और उच्च सदन है राज्यसभा, वो वैसे ही वहाँ पर निम्न जो सदन है उसे बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होता है वहाँ का कैग। तो ये मोटे मोटे फैक्ट है ब्रिटेन के, जो ब्रिटेन का जो कैग है उससे हम लोगों के कैग की तुलना। अब देखिए महत्व ये है कि इस कैग ने अभी तक भारत में क्या क्या किया है, तो इस संस्था के द्वारा आपने नाम सुना ही होगा, बुफोर्स घोटाला, हवाला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला या राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, इन सब का पर्दाफाश जिसने किया है वो किसने किया है, वो कैग ने किया है, ठीक है, ये हो गया, ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। कार्यपालिका सतर्क रहकर कार्य करती है क्योंकि उन्हें पता है कि हिसाब किताब रखने वाला एक व्यक्ति है जो कभी भी कुछ भी हिसाब किताब कर सकता है और आपके साथ वो कर सकता है, ठीक है, आपकी जो काम चोरी है उसको बता सकता है, ठीक है, तो हिसाब किताब रखने वाला एक व्यक्ति है, इसीलिए जो कार्यपालिका है वो सतर्क रहकर कार्य करती है। यह संस्था वित्त मंत्रालय के उद्देश्य पर एक यंत्र प्रदान करती है, मतलब वित्त मंत्रालय को एक यंत्र प्रदान करती है उद्देश्य पर कि एक उद्देश्य के तहत कार्य हो, यह महत्व है। तो आपको यहां याद रखना है कि कौन कौन से घोटालों का जो है वो पर्दाफाश किया है किसने, कौन कौन से घोटालों का पर्दाफाश कैग ने किया है और क्या क्या इसके महत्व है, ठीक है। चुनौतियां ये है, चुनौतियाँ सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें तो चुनौतियाँ वही सारी चीज़ें जो हर सिस्टम, हर जो विभाग है उसके लिए जो चुनौतियाँ है कि समय के अनुकूल लेखा परीक्षण नहीं कर पाता, मतलब जिस समय पर लेखा परीक्षण होना चाहिए उस समय पर लेखा परीक्षण नहीं किया जाता। ऐसा लोग मानते हैं कि ये औपनिवेशिक विरासत है, मतलब अंग्रेजों से हम लोगों को प्राप्त है, ऐसा लोगों के द्वारा माना जाता है, लेकिन अगर संस्था अच्छी है तो हम लोगों को ये चीज़ नहीं मानना चाहिए। अर्थात ये सब विच्छेदन, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि खर्च होने के बाद जांच करता है इसलिए उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता, ठीक है, लोकव्यय पर नियंत्रण नहीं रख पाता, लेकिन बात वही, जो चीज़ हम लोग समझ चुके हैं कि खर्च होने के बाद अगर किसी का हिसाब किताब रखता है तो पैसा तो खर्च हो चुका है, ठीक है, अगर पहले ही उसकी जाँच कर ली होती तो, मतलब जैसे प्री फैक्टो होता तो कुछ अच्छा होता, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, कैग पर आरोप लगाया जाता है कि वह संकुचित दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य करता है, ठीक है,
मोटा मोटा मोटी मोटी चीज़ें हैं। वर्तमान समय में सरकारी ऑडिट करना जटिल हो जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार प्रशासन में कमियों का पता लगाना आसान नहीं है, ऐसा कहा जाता है। मतलब अब मानिए कि इस देश में इतना भ्रष्टाचार, जो भी सारी चीज़ें हैं या प्रशासन में जो भी कमियां हैं उसका पता लगाना आसान नहीं है, इसलिए जो है वो सही से ऑडिट करना, सही से लेखांकन करना और सही से परीक्षण करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। कैग की नियुक्ति के लिए मानदंड या प्रक्रिया संविधान या कानून में निर्धारित नहीं, मतलब जो भी है तो, लेकिन जो है वो नियम बनाने की शक्ति जो है वो संसद को दे दी गई है इस, और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि कैग की नियुक्ति से संबंध कोई भी मानदंड या जो भी है क्वालिफिकेशन ये संविधान वो नहीं है, ठीक है। तो राजनीतिक दबाव, यही कमियों में राजनीतिक दबाव भी आ जाता है कि राजनीतिक दबाव के कारण कैग के द्वारा या तो कुछ ऑडिट प्रक्रिया, देखिए ऑडिट में बाधा डालने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण दस्तावेज आपूर्ति ऑडिट प्रक्रिया अंत में की जाती है, राजनीतिक दबाव है कि बाद में किया जाए ये सारी चीज़ें, ठीक है। सरकारी धन जनता की धरोहर है अतः उसकी समुचित अभिरक्षा आवश्यक है एवं कैग कार्य बखूबी रूप से किया जा रहा है और आलोचना तथ्यात्मक एवं पूर्वग्रह व राजनीति से प्रेरित होती है। सारी चीज़ें कुछ नहीं आपको पढ़ना है, समझने वाली कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ, जो समझने वाली चीज़ें थी वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। जो सुझाव हैं, सुझाव क्या क्या हो सकते हैं कि क्या क्या सुझाव, सुझाव मतलब कैग के पद को और अच्छा बनाने के लिए या कैग अपने काम को बहुत अच्छे से करे तो उसके लिए और क्या सुझाव होने चाहिए, तो इसमें बोला गया कैग के दायरे में सभी निजी सार्वजनिक पंचायती राज संस्थान और सरकार के वित्त पोषित संस्थान को लाना चाहिए, ये बोला गया सुझाव में। ये बोला गया कि वित्त पोषित संस्थान भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। पंचायती राज, सभी निजी, सबको कैग के दायरे में लाना चाहिए, ये एक सुझाव है, ठीक है। दूसरी बात, शासन के बदलते अनुरूप को देखकर कैग एक्ट 1971 में संशोधन करना चाहिए, 76 में भी हुआ संशोधन, इसके बाद और संशोधन इसमें करना चाहिए। कैग के चयन के संबंधित में जो भी है कॉलेजियम जैसा एक तंत्र होना चाहिए, मतलब एक पता होना चाहिए कि किस प्रकार से सारी चीज़ें, एक वो होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। राजनीतिक दबाव को कम किया जाए, मजबूत निपटान तंत्र को बढ़ावा दिया जाए, ऑडिट की समय सीमा मतलब ऐसा बनाया जाए कि ऑडिट समय पर हो पाए, राजनीतिक दबाव को कम किया जाए और मजबूत निपटान तंत्र को बढ़ावा दिया जाए, ये सभी सुझाव है, नॉर्मल से है, सब आप एक एक बार पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो ये कि अभी तक भारत के कैग कौन कौन रहे, तो जो पहले जो कैग थे वो नरिहरी राव, ये आपको याद रखना 1948 से 1954, जो आपके आपको नाम सबके याद रखना है, ए के चंद्रा, अरुण कुमार राय, एस रंगनाथन, ठीक है, ए बख्शी, जी प्रकाश, टी एन चतुर्वेदी, ठीक है, वी के सुंगलू और वी एन कॉल, विनोद राय, शक्तिकांत शर्मा, राजीव महर्षि और वर्तमान में जो है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी भी हमारे देश के कैग है। और बाकायदा हम लोगों ने जितना भी पद पढ़ा, जितने भी कैग के बारे में पढ़ा, वो सभी काम गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा बखूबी किए जा रहे हैं। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। यहाँ पर हम लोगों का ये टॉपिक जो है कैग या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये हम लोगों का यहाँ पर समाप्त होता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो, जितने भी जो भी है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और जो चीज़ें हैं, अगर कुछ चीज़ें डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम लोगों, अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आता है, सच में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल एग्ज़ाम ओरिजिनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि एग्ज़ाम, ये रहे हमारे एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप के ऊपर जो कोर्स है, हम लोगों के जो कोर्स है वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2022 के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम, प्री प्लस मेंस के उसका स्टडी मटेरियल के साथ पूरा पाठ्यक्रम आपको ऐप पर अवेलेबल होगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं और कोई एक सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, मान के चलिए कि जियोग्राफी आपका कमज़ोर है, तो सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी का भी जो है वो पाठ्यक्रम आप ऐप से परचेज कर सकते हैं। प्रीलियम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ है, सी सेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल है, एक बार डाउनलोड कीजिए, एक बार जाकर देखिए कि आपके जो है आपके फ़ायदेमंद कौन कौन सी चीज़ एग्ज़ाम ओरिजिनल के ऐप पर अवेलेबल है, उस चीज़ को देखिए। और अपने सबसे आखिरी बात तो ये कि आप अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, और हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेकर आएंगे, अभी मैं देखता हूँ कि कौन सा टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म, एग्जाम ओरिजिनल के इसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।